नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन अभी तक पूरी तरह खुला नहीं है, शर्तें लागू हैं, लेकिन दिल्ली में क्या शाहीन बाग दोबारा लॉक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि शाहीन बाग में फिर से धरना देने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने वहां पर मौजूदगी बढ़ा दी। पिछली बार जब शाहीन बाग का धरना 3 महीने से ज्यादा चला था तो इसे देखकर पूरे देश की राजनीति बट गई। दरअसल सीएए के विरोध के नाम पर इसे एक तरह की प्रयोगशाला कहा जाने लगा था। सवाल यह कि क्या सीएए विरोध की पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है? दोबारा विरोध की तैयारी की खबरें ऐसे वक्त में आ रही है जब दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो आज आपको शाहीन बाग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और पूछेंगे ये सवाल कि लॉकडाउन खुला नहीं, शाहीन बाग फिर से शुरू। दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से पुलिस को तैनात करना पड़ा है। बुधवार से ही पुलिस वहां मौजूद है और धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वहां दोबारा सीए विरोधी प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी है। पिछली बार 15 दिसंबर से 24 मार्च तक चला शाहीन बाग का धरना देश और दुनिया में चर्चा की वजह था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी शाहीन बाग का बड़ा मुद्दा बना था। तो मित्रों, बटन दबाओ, तब इसने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। मुझे बेहद दुख है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है इस मुद्दे के ऊपर, वहां पर शाहीन बाग में रास्ता बंद है। उस बंद रास्ते की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? ऐसे में दोबारा शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार का रुख अहम हो जाएगा। पिछली बार जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब चुनाव का माहौल था, बहुत सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे और उसमें आप लोगों ने एक बड़ी सीधी लाइन पकड़ी थी कि हमको इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव हो चुका है और आपका चैलेंज कोरोना ज्यादा बड़ी चुनौती है, उस स्थिति में आपको लगता है कि ये नौबत दोबारा आती है तो सरकार को बात करनी पड़ेगी जाके? हमारे लिए कोरोना ही चुनौती है और कोरोना की चुनौती से निपटने की हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको ठीक से निपटेंगे। आप अपील करना चाहते हैं कुछ उन लोगों से शाहीन बाग को जो वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शाहीन बाग अभी आपका प्रिय विषय हो सकता है रोहित, मेरा नहीं है। आप शाहीन बाग की बात करते रहिए, मेरे लिए अभी मेरी प्रायोरिटी कोरोना है। जब कोई और परिस्थिति आएगी उस वक्त देखेंगे क्या हो रहा है। विषय प्रिय या अप्रिय होने का नहीं है सर, कई बार अप्रिय चीजें भी सामने लाके मीडिया को रखनी पड़ती हैं ताकि सरकारों को आगाह किया जा सके, और हम वही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे, आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो सरकार कोरोना की चुनौती को देखते हुए उन लोगों से भी बात करने का एक चैनल खोलने की कोशिश करेगी। शाहीन बाग के 3 महीनों से अधिक चले धरने के दौरान सड़क पर टेंट लगा दिए गए थे और सड़क बंद कर दी गई थी, जिससे रोजाना लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। शाहीन बाग के धरने को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार भी वहां गए थे, लेकिन धरना दिल्ली पुलिस ने तब जबरन खत्म कराया जब देश में कोरोना की दहशत फैलनी शुरू हुई। पिछली बार शाहीन बाग का धरना सरकार के लिए सिरदर्द था तो इस बार पहले से ही दिल्ली पुलिस की तैयारी दिख रही है। दिल्ली से फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शाहीन बाग लेकर चल रहे हैं। मेरे सहयोगी चिराग गोठी लाइव इस समय शाहीन बाग से मौजूद हैं, वहां की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए। चिराग, फिलहाल यहां की क्या स्थिति है? बताया जा रहा कि कल धरने को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हुई तो वहां सुरक्षा कड़ी कर देनी पड़ी है। जरा तस्वीर दिखाइए शाहीन बाग की। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, चर्चाएं हुई थी, उसके बाद सिक्योरिटी कड़ी थी और अभी भी सिक्योरिटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये शाहीन बाग में है जो कैंप बना रखा है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, जिसमें महिला फोर्स भी है, इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस भी थी और दिल्ली पुलिस यहाँ पर भी तैनात है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये शाहीन बाग की वो रोड है जहां पर धरना स्थल था,
ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं दरअसल नीचे की तरफ, ये वही मार्किंग है जहां पर टेंट लगा था और पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन 3 महीने तक धरना चला था। अभी फिलहाल स्थिति आप देखिए स्मूथ है, पूरी तरह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर बहाल है। एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर ये है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कैंप करे हुए हैं। दुकानें रोहित सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ था इन दुकानदारों को, देखिए तमाम दुकानें जो है अब यहाँ पर खुली हुई है, किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है पुलिस का कहना है। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं हुई थी उसके बाद जरूर यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात कर दी गई थी। और अब यहाँ पर मैं आगे की तस्वीर दिखाता हूँ, ये रोड सीधा जाता है कालिंदी कुंज की तरफ। अब फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर स्मूथ है, लोगों से बात करते हैं आसपास के लोगों से, अब यहाँ पर स्थिति किसी तरह की कोई इस तरह से नहीं दिख रही है कि यहाँ कोई धरने की बात हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल कुछ फोर्स वगैरह आई थी लेकिन लोकली कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही लोगों में कोई ऐसा जमावड़ा है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई ऐसा मसला नहीं यहाँ पे अभी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस का एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर कोरोना जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी मदद करें, ये तमाम ऐसे ACP का नंबर दिया हुआ, यानी कि कोरोना जो है अब एक तरह से कहा जाए जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हटाया था इसके नाम पर, इस तरह की चर्चा होने लगी कि अब ये दोबारा शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात है और ये लगातार है रोहित, उसी दिन से है जिस दिन से ये धरना स्थल हटाया था। मैं उस समय यहाँ सुबह पहुंचा था जब हटा रहे थे तब काफी फोर्स थी, लेकिन अब एहतियातन यहाँ पर फोर्स है। कल मेरे डिस्ट्रिक्ट DCP से भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर जरूर इस तरह की चर्चा थी जिसको लेकर फोर्स बढ़ा दी गई थी, अचानक यहाँ पर जो है वो मार्चिंग की गई थी पुलिस की, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति नॉर्मल दिख रही है, फोर्स यहाँ पर तैनात है, इसके अलावा दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर और ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो स्मूथ है, पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, लोकल पुलिस जो है वो भी तैनात है और यहाँ तमाम जो पुलिस कर्मी है वो भी लगातार बात करते रहते हैं जो यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे और इनपुट्स लेते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ ऐसा कोई प्लानिंग हो, तमाम ऐसी चीज। हालांकि लेफ्ट की तरफ से कॉल किया गया था लेकिन उसके बाद वो स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर अब फिलहाल यहाँ पर एहतियातन पुलिस तैनात है। जी वैसे भी अनलॉक 1 में अभी कम से कम किसी तरह के सभा समारोह भीड़ जुटाने इस तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है, उस पर जुलाई में थर्ड फेज में फैसला होने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। चिराग गोटी दिखा रहे हैं वहां सुरक्षा बलों की टुकड़ी तैनात है, पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं और कल जब ये इनपुट मिले पुलिस को कि वहां फिर से इस तरह की कोई हरकत हो सकती है तो वहां पर पुलिस का जमावड़ा बढ़ा दिया गया था। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए, प्रवक्ता है BJP के, शोएब जमाई हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, जो पिछले समय लगातार आप देखते रहे कि शाहीन बाग के धरने का पक्ष रखने के लिए टीवी पर आते रहे। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। संगीत रागी हमारे साथ हैं, दिल्ली नसीम पढ़ाते हैं, RSS से जुड़े। एलन राव पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के, वो हमारे साथ होंगे। और सुबोई खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वकील हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल सीधे सीधे शोएब जमाई आपसे है, अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, शाहीन बाग फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है क्या? नहीं देखिए, शाहीन बाग आंदोलन तो जैसा हमने कहा कि एक सोच है, तो उसके लिए कोई सड़क की मोहताजगी या फिर किसी जगह प्रदर्शन की हमें मोहताज नहीं है। हमने हमेशा कहा कि शाहीन बाग का आंदोलन जो है वो सिर्फ किसी सरकार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ नहीं था या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं था, हम तो संविधान की मर्यादा और गरिमा बचाए रखने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। अब हमारे आंदोलन का प्रारूप में हमने कहा कि जिस तरीके से इतना जज्बा लोगों का एक कानून के विरुद्ध में देखा, इसको हम एक शिक्षा क्रांति की ओर बढ़ा के ले जाएंगे। शिक्षा मुसलमानों में जो अल्पसंख्यकों में जो शिक्षा आंदोलन की जरूरत है, उसके लिए हम जगह जगह गाँव गाँव इलाकों में स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के कई लीडर्स है लेकिन कौम के लिए बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अब हमारे आंदोलन का वो प्रारूप होगा जिसमें कई लोगों को एक जागरूकता आ गई है उस शाहीन बाग आंदोलन की बात से, अब वो चीजें आगे बढ़ेगी, नए पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो शाहीन बाग आंदोलन का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, बल्कि जो जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई NTCA प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया है, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जामिया और JNU के छात्र या दूसरी जगह पे उनके रिलीज की मांग के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान वर्चुअली कर रहे थे और अभी कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन जहां तक शाहीन बाग आंदोलन की बात है, और मैं खुद शाहीन बाग आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं और अभी भी हूं, तो मुझे इस बात का फक्र है कि हमारा शाहीन बाग आंदोलन आगे चल के एक नई शिक्षा क्रांति को अल्पसंख्यकों में जन्म देगा और हम पॉलिटिकली तौर पर बड़े एक नेगोशिएटिंग पावर के रूप में उभरेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी कामना। इसको मैं अगर
राजनीतिक विश्लेषण करूं आपकी बातों का, तो मुझे ये लग रहा है कि आंदोलन में लोगों की भीड़ जुटी देख के आपके मन में अब ये महसूस होने लगा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, एक राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और शायद आपको भी कुछ लोग वोट दे देंगे इसके बाद से, क्योंकि इतने दिन आप टीवी पे आते रहे, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। लेकिन आज का विषय आपको लॉन्च करने के लिए मंच देने का नहीं है, आज का विषय इस बात का है कि क्या दोबारा वहां सड़क घेरने की प्लानिंग हो रही है कि नहीं, सीधे सीधे बता दीजिए ना। शिक्षा क्रांति तो एक अलग विषय है, राजनीतिक पार्टी अलग विषय है, दिल्ली का दंगा अलग विषय है, क्या दोबारा शाहीन बाग में जमीन घेरने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से पहले भी शाहीन बाग आंदोलन के जरिए से सड़क घेरना या किसी को तकलीफ देना ये हमारा मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि शाहीन बाग आंदोलन एक जन क्रांति थी और बहुत इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म में वो जो है लोग जमा हो गए थे। अदरवाइज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने, जब जस्टिस कॉल साहब ने कोर्ट नंबर 12 में, हम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन बिल्कुल संवैधानिक है, संसद के दोनों सदनों में पारित कानून का भी आप विरोध कर सकते हैं, हमारा कंसर्न सिर्फ सड़क घेरनों को लेकर है, जिसके लिए हेगड़े साहब से लगातार बातचीत करती चलती रही, दुर्भाग्यपूर्ण वो सफल नहीं रही, लेकिन हमने लॉकडाउन का पालन करते हुए उस वक्त चीजें यहाँ से बहुत सारे लोग कम हो गए थे, आपने देखा कि हमने उस वक्त जो है वो जनता कर्फ्यू का भी पालन किया और इस पालन करवाने में मेरे कई जो है लोगों से मतभेद भी हुए कि शोएब जमाई क्यों यहाँ से जनता कर्फ्यू का पालन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारा आंदोलन न जनता को तकलीफ देना है, न सिर्फ सरकार का विरोध करना है, बल्कि हम अपने अधिकार और लोगों को बाद अगर बिल्ली कहे कि मैं हज को जा रही हूं तो लोग ये थोड़ी ना मान लेंगे उससे कि भाई ये बहुत पवित्र आत्मा हो गई है। लोगों को तकलीफ तो हुई, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर तकलीफ नहीं होती तो कोर्ट वहां पे वार्ताकारों को नहीं भेजता, अगर तकलीफ नहीं होती तो बार बार आपसे ये नहीं कहा जाता सबकी तरफ से कि रास्ता छोड़ दीजिए, खोल दीजिए उसको। अगर वर्चुअल आंदोलन की बात थी या मन में ही आंदोलन करने की बात थी तो आप तब भी कर सकते थे। नहीं नहीं, या अब आपको लगता है कि नेता के तौर पर आपकी स्थापना हो गई है तो इसलिए कोई बात नहीं, अब नहीं भी करेंगे आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं, अब अपन ओवैसी के बराबर के नेता हो गए। नहीं 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 रोहित जी, देखिए हम ना कभी नेतागिरी करना चाहते, हाँ ये बात जरूर है कि मौलवी साहब नहीं, मैं ऑलरेडी एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और राजनीति में ही हमारा रहा है शुरू से, लेकिन बात यह है कि आंदोलन की जो हमने जब बात की तो हमने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन से हम ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सड़क घेरने का भी सिर्फ मकसद यही था कि सरकार तक दबाव पहुंचे। शाम को 5 बजे या 6 बजे यहां से आपकी आवाज नहीं जाती क्या सरकार तक? नहीं, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं ना, सरकार तो सिर्फ ड्रामा करती रही कि कभी कहा कि यहां से आप लोग ड्रामा करते रहे तब आ जाए। नहीं नहीं नहीं, सरकार अगर गंभीरता से इसको हल करती, और हमने जो खुद कानून मंत्री को पर्सनली मिल करके हमने कार्यक्रम के माध्यम से कहा था कि कानून मंत्री जी आप सरकार के 2 नुमाइंदे भेज करके शाहीन बाग में हम लोगों से वार्ता करें और वहां की जो महिलाएं बैठी हैं उनके साथ वार्ता करें, बहुत सारे मसले भेजे थे उनमें से वजाहत साहब तो सुप्रीम, उनका तो बड़ा सम्मान है मुस्लिम कौम में, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई ना, किसी ने नहीं माना ना उनकी बातों को भी, आप लोगों में से कोई हटने को तैयार नहीं हुआ। वो तो उसके बाद जब कोरोना फैल गया और ये बात होने लगी कि आप खुद भी बीमार पड़ेंगे और दूसरों को भी बीमार कर देंगे, तब आपको मजबूरन हटना पड़ा वहां से, उसमें भी आप महानता दिखा रहे हैं कि हमने बड़ा पालन किया था। नहीं रोहित भाई, आप तथ्य गलत बोल रहे हैं, वो वार्ताकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए थे और सिर्फ सड़क की चिंता को लेकर भेजे गए थे। मैंने कब कहा कि कोर्ट नहीं भेजे थे? आंदोलन आंदोलन खत्म कराने या आंदोलन के प्ररूप में यहाँ से नेगोशिएशन के लिए नहीं भेजे गए थे, हमारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थोड़ी आंदोलन आज था। आप ये वादा कर सकते हैं यहाँ से कि दोबारा शाहीन बाग में जगह घेर कर फिर से वो सब करने की, दोहराने की कोशिश नहीं होगी जो पहले हुआ 3 महीने? आप वादा कर सकते हैं यहाँ से? देखिए जहां तक मेरी शाहीन बाग आंदोलन के अपने साथियों से बातचीत हुई और तमाम लोगों को इस बात पे, सब लोग इस बात पे यहां से इत्तफाक रखते हैं कि हम अब शाहीन बाग आंदोलन जो प्रोटेस्ट, जो जिस एंटी सीए की बात हो रही थी, वो प्रोटेस्ट तभी होगा जब सरकार दोबारा एनआरसी और एनपीआर जैसे सोशे छोड़ने का काम करेगी। अभी तो हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और इस कोरोना की महामारी में शाहीन बाग के तमाम सिपाही और हम सब वो सोशा नहीं होते, वो फैसले होते हैं, साथ मिलकर के लड़े। और दूसरी बात, जब आपने देख लिया कि कोरोना से लड़ाई के बावजूद दिल्ली दंगों की जांच चलती रही ना, वो रुकी नहीं, तो ये आपने कैसे मान लिया कि एनआरसी और एनपीआर और सीए ये खत्म हो गए? आपने यही कैसे बात है, आप भी मत, तो यही तो कह रहा हूं कि आप भी ये बात मत मानिए कि लॉकडाउन अगर हो गया है तो लोगों के अंदर प्रोटेस्ट करने का जज्बा या फिर यानी कि 5 मिनट में आप पलट गए, खत्म हो जाए। 5 मिनट पहले आपने कहा था कि हमारा मन से ही आंदोलन चल रहा, मन में चलता रहेगा,
अपने को जगह घेरने की जरूरत नहीं, अब तो हम शिक्षा क्रांति में ले जा रहे हैं उसको। अब आप 5 ही मिनट के भीतर ये कह रहे हैं कि हम तो दोबारा बैठ सकते हैं कभी भी। देखिए यही 5 ही मिनट में पलट गया। मैंने कहा कि सरकार डाल डाल तो हम पात पात, अगर सरकार दोबारा इस तरह के चीजें शोषा छोड़ेगी तो हम वहां से उसका प्रोटेस्ट करेंगे। गौरव भाटिया, सरकार अभी जो है एंटीसीए एक्टिविस्ट, सुनिए एक बात, एक मिनट खत्म कर रहा हूँ, एंटीसीए एक्टिविस्ट को जो गिरफ्तार कर रही है लगातार, जामिया के हमारे कई सारे एक्टिविस्ट डॉक्टर कफील खान या तमाम लोग, उनकी जो गिरफ्तारियां हो रही है, या दिल्ली दंगों में जो एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस कर रही है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट डिजिटल तौर पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चल रहा, वो उनके लिए विरोध है, वो एनटीसीए या फिर एनपीआर के विरोध नहीं है। जब एनपीआर और एनटीसीए की बात दोबारा सरकार करेगी तो हम सोचेंगे कि किस प्रारूप में होगा। अभी इतना डरते क्यों हैं? जो लगातार चल रही है सरकार, ये बताइए सरकार इतना डरती क्यों है? सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, दिल्ली दंगों की जांच एक समानांतर प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। सरकार आपसे डरती तो आपके वो सारे लोग इस समय जेल के अंदर नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मामला कोर्ट में आएगा, कोर्ट अपने आप तय कर देगा कि दिल्ली पुलिस ने जो तथ्य सामने रखे हैं उनमें कितनी जान है, उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर अदालत को लगेगा हो सकती है तो कार्रवाई होगी, अदालत को लगेगा नहीं हो सकती तो अदालत छोड़ देगी। सर अब ये तो चोर चोरी करके भाग रहा हो, चोर चोरी करके घर में जाके छुप जाए, पुलिस उसको जाके पकड़ ले तो चोर ये कहे कि पुलिस मेरे से डरती है, मुझे अगली चोरी करने से इसलिए रोकने से पकड़ने आ गई है, तो बड़ी अजीब सी दलील हो जाएगी ना सर। तर्क दीजिए, कुतर्क मत दीजिए, आप तर्क दे रहे थे मैं सुन रहा था। तो क्या अब प्लीज प्लीज प्रोटेस्ट करना आप मान लिया, आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, मान लिया आप नेता के तौर पे स्थापित होना चाहते हैं सर, लेकिन सर उसमें मेरे कार्यक्रम को ही केवल मंच ना बनाए, और जगह भी आपको मौका मिलेगा। प्लीज, आप बहुत देर से बोल रहे थे। अब गौरव भाटिया, अगर ये दोबारा बैठेंगे तो क्या पुलिस और सरकार वो गलती दोहराएगी जो पिछली बार हुई थी? रोहित जी देखिए, सबसे पहले बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, कुछ शब्दों को मैंने जो सुना, मैं कहीं ना कहीं भयभीत हूं जैसे सारे नागरिक हैं। इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जैसे पहले बनाया था, कहते हैं हमारी कौम के लिए, एक बार मुंह से भारत भी तो कहते, अपना देश भी तो कहते, और इन्होंने सही कहा। इनको सीए पूछेंगे क्या है तो कहेंगे चटपटा आम का अचार, सीएए। इनको सीए अच्छा। से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और दुख की बात यह है, तय हो जाना चाहिए कि देश में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है या फिर इनकी सोच और धर्म बड़ा है इनका। मैं केवल इतना कहूंगा, ये संविधान की बात करते हैं संविधान से, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है। आप खुद बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, इनको कोई नहीं उससे मतलब है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, कानून पे संशोधन हुआ, इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो पार्लियामेंट में कानून पारित हुआ उस पे आप प्रश्न लगा देते हैं, आप तय करेंगे, आप बताएंगे कि क्या संविधानिक है या नहीं, या सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो कौम की बात करी, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तारीफ करता हूं दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जो ये सुनिश्चित कर रही है कि जब कोविड का संकट है तो हम अपने सभी नागरिकों की जान को सुरक्षित रखें और कोई इस तरह का प्रदर्शन ना हो जो कि दूसरों की जान को खतरे में डाले। ये सोच जो है इसलिए खतरनाक है, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मारो, छोटे छोटे बच्चों से इन्होंने नारे लगवाए कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। मैं पूछना चाहता हूं ये कैसी जहरीली सोच है, आप बताइए। अगर आपका आस्था संविधान में है तो आप इंतजार करिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। दूसरी बात, कोविड के समय में इस तरह का प्रदर्शन करना, जहां पे ये भी बात आई कि रुपए देके प्रदर्शन करवाया जा रहा है, और रोहित जी आपका चैनल भी शायद आपके बीच में नहीं बोले, लगातार वो सुनते रहे, शोएब जमाई वो आपको लगातार सुनते रहे, शोएब जमाई नेता बनने की पहली शर्त ये होती है कि सुनना भी सीखना चाहिए। अगर आपको नेता बनना है तो सुनना सीखिए कम से कम। वो आपको लगातार सुनते रहे, आपसे मैंने 10 मिनट बात की, उन्होंने 10 मिनट तक सुना बिना टोका टाकी के, केवल दो बार उंगली उठाई बीच में कि मैं भी बोलना चाहता हूं। बाकी लोग भी हैं, अभी 4 मेहमान और हैं शोएब जी भाई, उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। मैं बात पूरी कर लूं तो आप गौरव भाटिया पूरा करेंगे, और अगर मेरा सवाल होगा मैं उनसे और सवाल पूछूंगा, और बाकी लोगों से सवाल पूछूंगा, फिर आपके पास आऊंगा शोएब जी भाई। प्लीज आप इंतजार कीजिएगा, बोले गौरव भाटिया पूरा कीजिए फटाफट। धन्यवाद। देखिए, इन लोगों की राजनीतिक हैसियत क्या है, ये राजनीति करना चाहते हैं, मैं बता दूं,
एक समय ऐसा आया था वहां पे 5 लोग नहीं थे शाहीन बाग में, और जब वहां मीडिया के लोग जाते थे तो ये हूटर बजाते थे कि आप लोग आ जाओ। मैं इतना ही कहूंगा, देश आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और इनके साथ कोई नहीं, केवल ये जहर उगलने के लिए आते हैं। दिल्ली के दंगे भी इन्होंने ही करवाए, भारत की छवि खराब करने के लिए विदेश यात्रा थी डोनाल्ड ट्रंप की, और आज चार्जशीट फाइल हो गई है। और वो दिन दूर नहीं कि जो कानून तोड़ेगा, वो चाहे शोएब जमाई हो चाहे कोई भी हो, ठीक है सर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अलग अलग जहर उगलना बंद कर दीजिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ दो अलग अलग रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, ठीक है, असंवैधानिक तरीके से आप लोग बंद नहीं कर सकते। ओके ओके, दो अलग अलग विषय है। मैं तस्लीम रहमानी और सुबुई खान के पास जाऊं, उसके पहले शोएब जमाई काउंटर देना चाहते हैं, 30 सेकंड दे पाऊंगा केवल, बोलिए फटाफट। जी जी, देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि सिर्फ कौम की बात करते हैं। मैं कौम की नहीं, कौम का मतलब होता है नेशन, और नेशन का मतलब होता है देश। जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबको पता है, और जो आप कौम के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं सबको पता है। टीवी पे बैठ के तो कम से कम सर इस तरीके से मत किया कीजिए कि लोग पकड़ नहीं पाएंगे आपको, ऐसा मत कीजिए सर। लोगों को भी पता है आप कब आप कौम को किस संदर्भ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब लोग जानते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। अरे भाई, आपने कहा कि हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, तो अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं, तो आप उसमें घुमाइए ना, 30 सेकंड तो हो चुके हैं। दूसरे इल्जाम इन्होंने लगा कि इनके साथ कोई नहीं है और मोदी जी के साथ सब है। भाई, मोदी जी के साथ तो इस देश का मजदूर और किसान भी नहीं है, पूरे जो किसानों की हालत आप इस लॉकडाउन में की, और रोहित जी आप फिर बिचल रहे इधर उधर। नहीं नहीं, अब आपके साथ क्या दिक्कत है ना शोएब जमाई, जब आपको लगता है कि आपके हाथ से बाजी पलट रही है या आप हल्के पड़ रहे हैं, तो आप फिर किसान मजदूर दलित सब चिल्लाने लगेंगे। भाई, किसान मजदूर पे चर्चा कर रहे हैं ना, जब जब कर रहे हैं उनके नेता को बुला लेंगे, उनसे बात करने वाले को बुला लेंगे। आप कौम की राजनीति करते हैं, कौम की बात करने के लिए बैठते हैं, कौम की बात तक सीमित रही है। आप शोएब जमाई यहाँ पर दलित नेता, किसान नेता, मजदूर नेता सबकी ठेकेदारी लेने की कोशिश मत कीजिए। शाहीनबाग के औपचारिक प्रवक्ता तक नहीं है आप, उसके बावजूद आप अगर शाहीनबाग का पक्ष रखने बैठे हैं तो वहां की बात कीजिए बस। अब तस्लीम रहमानी, आपके पास आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी, इनकी बातों से जो मुझे समझ में आया, प्लीज 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 जिंदगी भर सर प्लीज बस कर लीजिए चलिए प्लीज। तस्लीम रहमानी, इनकी बातों से जो एक बात की शक होता है या बू आती है कि शाहीन बाग को कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर लिया अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए, और अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि उसके जरिए और कुछ नहीं तो अपनी नेतागिरी चमक जाए। जो बात वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं, तो भाई मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर के तौर पे तो खड़ा आप लोग कर ही रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर ही रहे हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ता है वो भी कर ही रहा है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है मुसलमान वो भी कर ही रहा है। ये देखिए रोहित, ये जो शाहीन बाग की बात अभी आ गई है, मुझे इस बात पे हैरत है। कल यहाँ जामिया के इलाके में पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा था, तो हम लोगों को भी शक हुआ था क्यों हुआ है। बाद में मालूम हुआ कि माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर के फादर पे कल यहाँ फायर हो गए थे, उसके लिए कोई VIP मूवमेंट था उसके लिए, तो बाद में ये साहब को पता चला कि शाहीन बाग को कोई बिठाना चाहता है। इसकी कोई पूरे एरिया में कोई इसकी सुनगुन भी नहीं थी कि कोई यहाँ शाहीन बाग मूवमेंट आने वाला है। अभी सरकार कह चुकी है कि उनको अभी NRC के मुद्दे पर और CA के मुद्दे पर कोई GO आ चुके, मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि ये टिल फर्दर डेट इसको बफर कर दिया गया है, ये आ चुका है। तो ऐसे किस्मेंट की किसी को कहीं से कोई जरूरत आज की तारीख में कम से कम महसूस नहीं हो रही। मुद्दे और भी है जिसपे किया जा सकता है, कि जहां तक आप बात कर रहे हैं पोलिटिकल मूवमेंट उठाने की, उसके लिए शाहीन बाग अकेला ये CA का मूवमेंट नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट उठे हैं, उठते रहेंगे। ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और सब उस पर अमल करते पार्टी है। शोएब साहब का जो ओपिनियंस है वो जाहिर है कि वो कभी इसके प्रवक्ता भी नहीं थे शाहीन बाग के, वो एक कॉमन किस्म का मूवमेंट था, उसमें सारे ही लोग कहीं ना कहीं शरीक थे, और वो किसी मेन स्ट्रीम ऐसे मूवमेंट से भी नहीं जुड़े जो कम्युनिटी को मूवमेंट हो। ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है, उसी हैसियत में उनको लेना चाहिए, क्योंकि आदमी पर्सनली कुछ हो सकता है। लेकिन शाहीन बाग ऐसा, हमारी जितने लोगों से रात को बात हुई जब ये खबर मिली तो तकरीबन सबने ये कहा कि नहीं, इस वक्त पिछली बार जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, पिछली बार जब अचानक वहां पे रातों रात भीड़ जुट गई थी और धीरे 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 करते करते 3 महीने तक वो पूरा ड्रामा चलता रहा, आपसे पूछ के या आपसे सलाह लेके या आपको फोन करके प्लान हुआ था क्या? नहीं हुआ था, वो अनप्लान्ड था, वही तो आप लोग हमेशा कहते रहे, वो अनप्लान्ड एक पब्लिक मूवमेंट था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को हो सकता है खबर लगी हो, एजेंसियों को पता लगा हो कि कुछ सुगबघाट हो रही है, फिर से हो सकता है उनको कोई इनपुट आया, उन्होंने बताया नहीं क्या इनपुट है, लेकिन हो सकता है आया हो। लेकिन ऐसा कुछ
कम्युनिटी के अंदर या इलाके के अंदर ऐसी कोई भी सुनगुन नहीं थी। अब पुलिस को कहां से इनपुट आया तो वही ज्यादा बेहतर जानते हैं कहां कहां। तो अभी जब कोरोना के हालात चल रहे हैं ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ये लोग जब धरना दिलाएंगे तो क्या पीपी किट पहना के बिठाएंगे महिलाओं को वहां पर धरना देने के लिए? पटना हाउस में दो कोरोना डेथ कल रात हुई है, ये इतना सीरियस है। मैं सुबह से एक्ल कर रहा हूँ थोड़ी जाए वो हो गया, लेकिन हमने केजरीवाल साहब को भी कहा कि भाई जब दो डेथ एक रात में हो गए उससे पहले एक पूरा एक पॉकेट है जिसमें सब कुछ हो रहा है, केजरीवाल साहब को भी उस पर लिखा है उन्होंने, तो उसको कम से कम कंटेनमेंट जोन है ना। तो ये इशू हमारे सामने है। ठीक सर, अभी और बहुत सारे इशू सामने हैं। ओके, तो इस पर बहस के लिए कहां से ओके ओके सुबुई खान जो बातें शोएब जमाई कर रहे हैं उसमें कहीं आपको लगता है कि शाहीन बाग डायरेक्टली नहीं तो सीएए के विरोध में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या दिल्ली दंगे की जांच के दौरान जिन पर आंच आई है और जिनको पुलिस ने उठा के अंदर डाला और जिनके नाम आ रहे हैं चार्जशीट में, उन्हीं की आड़ में एक बार फिर से भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो सकती है और शायद उसी का इशारा कल दिल्ली पुलिस की हलचल से मिला है वहां पर शाहीन बाग में? सुबह खान, जमाई ने साफ साफ कह दिया या आपने उनके मुंह से उगलवा लिया कि शाहीन बाग एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा इनके हाथ में टूल है जो ये सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों को आज तक हमारे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक इंसान की तरह देखा ही नहीं, सिर्फ वोटर्स की तरह देखा, और वही ये लोग कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए यहाँ पे बैठ के ह्यूमन राइट्स और हम संविधान बचाने की लड़ाई और इस तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। एक बात मैं इनकी मानती हूँ कि ये सही कह रहे हैं कि शाहीन बाग एक सोच है, एक भारत विरोधी सोच है, एक ऐसी मानसिकता है जिससे दुर्भाग्यवश हमें कोरोना के साथ साथ इस वैश्विक महामारी के टाइम से बीमारी के साथ साथ इस देश तोड़ने वाली मानसिकता से लड़ना पड़ रहा है। और रोहित जी, ऐसी बहुत सारी मानसिकताएं अलग अलग लबादे भर के हमारे देश में बैठी हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है। रहमानी साहब उंगली मत उठाइए, पहले बात पूरी सुन लीजिए। ये वो मानसिकताएं रोहित जी, वो लोग हैं एंटी नेशनल फोर्सेस जो कुत्तों की तरह घेर के बड़े बड़े शेरों का शिकार करते हैं, यही ये मोदी जी और बीजेपी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों बाद हमारे देश में ऐसी गवर्नमेंट आई है जो ऐसे मुद्दों पर काम कर रही है, जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टीज कभी अपने हित से आगे बढ़ के देश के लिए करने का सोच भी नहीं पाई, और इसलिए ये लोग उनको टारगेट करने के लिए इस तरह की जबरदस्ती के शाहीनबाग आंदोलन और इलीगल एक्टिविटीज में मुब्तला होते हैं। चाहे आप एनआरसी में देख लीजिए कि अगर हम घुसपैठियों से लड़ने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सीए में तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, हम देश कश्मीर को अपने देश में कश्मीर को आतंकवाद से बचाने की कोशिश करते हैं तो इन लोगों से लड़ना पड़ता है, और तो और कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ते हैं तो भी इन लोगों से लड़ना पड़ता है। तो देखिए, ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ रोहित जी कि हमारे देश का अच्छा वक्त चल रहा है, और आज जो हमारे देश की स्थिति हम देख रहे हैं ना, वो पिछले 70 सालों की ऑडिट रिपोर्ट है। पिछले 70 सालों में विधर्मी सरकारों ने, विधर्मी का मतलब है जो अपना कर्तव्य पालन करना नहीं जानती, उन्होंने कितनी एंटी नेशनल फोर्सेस को, कितने स्नापों को इस देश में दूध पिलाया है और अपने लिए उनके साथ गठबंधन में काम किया है, सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। ओके। एक चीज जस्ट फ्यू सेकंड्स दीजिए रोहित जी, जैसे अभी शोएब जी ने अभी जो पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाई, ऐसे केजरीवाल जी स्वराज लेके बैठ रहे थे, हम भारतीय बहुत इमोशनल है, तब वो स्वराज की बात करते थे, आज वो अमानतुल्ला खान जैसे और ताहिर हुसैन जैसे दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ अपनी पार्टी के कुछ नहीं कर रहे हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, और अमानतुल्ला खान की हेट स्पीच के बाद तो सारा दंगा ही भड़का है। शाहीन बाग में पहली बार अमानतुल्ला खान की हेट स्पीच के बाद भड़की, लेकिन केजरीवाल जी को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना है। ओके, मैं संगीत रागी के पास जाऊं, उसके पहले फटाफट शोएब जमाई, एक सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 370 का मामला आता है तो विरोध में आप खड़े होते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों का मामला आता है तो विरोध में आप खड़े होते हैं, अब कोरोना का मामला आता है तो तबलीगी जमात के प्रतीक के तौर पे देश में टेलीविजन चैनल पे आप खड़े होते हैं, चक्कर क्या है? रहमानी साहब, शोएब जमाई से पूछ रहा हूँ, अब आप अभी इतना तो आपको समय नहीं आया कि आप शोएब जमाई की जगह भी लेने पड़े आपको, है ना सर जी? एक बार शोएब जमाई बोलने फिर आपके पास आ जाता हूँ। नहीं नहीं बोलिए, मैं मानता हूँ कि मैं तो बहुत अदना सा शख्स हूँ, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर एहसान है कि जहाँ पे हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो शोएब जमाई, या जब जब देश के खिलाफ लड़ने की बात आती है, देश के खिलाफ खड़े होने की बात आती है, तो भी आप अल्लाह को बीच में घसीट रहे हैं।
आप उसको केवल कवर दे रहे हैं इस बात से भगवान का नाम लेके। जब देश की बात आती है तो शोएब जमई सरकार के साथ खड़ा है। जब भी हमने कहा कि चाइना को अगर यहाँ से मुंह की उसको जवाब देना, आप जब तबलीगी जमात की यहाँ से बैठ के वकालत करते थे तो पूरे देश ने देख लिया कितना देश के साथ है, पता लग गया था। शोएब जमई संविधान लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक हमारे देश में लोकतांत्रिक गला घोटने की जो ये साजिश संघवाद की और पिछले 6 सालों से जिस तरीके से पूरे देश का माहौल को खराब कर दिया गया वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। रैली नहीं चल रही है सर, सिंपल सा सवाल पूछा था, उसमें आप भाषण देने लग गए पूरा। मैंने पूछा तबलीगी जमात की पैरवी करते थे जब आप बैठ के, तब कौन सा देश का आप साथ दे रहे थे? उस वक्त तो आपके मुंह से एक बार नहीं निकला था कि भाई ये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जाके कम से कम अपना रिकॉर्ड दर्ज करा दें, तब तो आप पैरवी करते थे बैठ के यहां पर। और आज जब आप दोबारा धरने की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए आपने बना लिया क्या कोरोना वायरस का वैक्सीन जो आप दोबारा कह रहे हैं कि हम धरना देने के लिए तैयार हैं अगर दोबारा खुलता है मामला तो? देखिए जिस जामिया मिलिया इस्लामिया में आज थोड़ा सा सांकेतिक प्रदर्शन हुआ इस बुनियाद पर कि वहां के छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उसी जामिया मिलिया इस्लामिया के इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज के डॉक्टर इम्तियाज हसन और जो हमारे ही डिपार्टमेंट की जो टीम है उन्होंने कोरोना वायरस के लिए जो ड्रग्स है वो 2 ड्रग्स की पहचान की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, और ये आपके न्यूज चैनल ने भी इस खबर को चलाया और दिखाया भी। तो इस पर तो हमें जामिया पे गर्व होना चाहिए ना कि ये हम कर रहे हैं। जामिया पे जहां गर्व करना कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों साइंटिस्ट ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि शोएब जमाई ये लोग गोली और खिला दो सारी महिलाओं को, बैठा दोबारा धरने पर शाहीनबाग में, या ये क्या भेजा उन्होंने आपको? भाई हम तो शाहीनबाग का कहा, हमने कहा कि हम वहां बैठ रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? जमाई पिछले आधे घंटे में ये चौथी मर्तबा है जब आप पलटी मार रहे हैं। सर इतनी पलटी में मारने वाले तो राजनीति में भी नहीं टिक पाते हैं, थोड़ा सा सीख ले लीजिए नेताओं से कितना पलटना होता है। लोटा बन जाएंगे तो फिर लोटा तो लोटता ही रहता है, कोर्ट ने जो कहा है उसी के बारे में हमारी चिंता है। अब मैं जरा संगीत रागी के पास जा रहा हूँ, संगीत रागी एंटी सीए एक्टिविस्ट और मुस्लिम एक्टिविस्ट को ज्यादातर गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली की पुलिस ने दायर की ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली की पुलिस ने, बस कीजिए शोएब जमाई, शोएब जमाई सिटीजन सिक्स अमेंडमेंट एक्ट, शोएब जमाई, शोएब जमाई, शोएब जमाई, शोएब जमाई, संविधान की सारी पढ़त आपके पास है, कोरोना की दवाई आपने बना ली है, कोरोना हमको होगा नहीं मस्जिद में बैठने से। ये पैरवियां पहले बैठ के टीवी पर आप ही करते थे भाई, अगर ये देश आप ही के रास्ते से चलने लगा तो फिर तो हो गया बेड़ा पार इस देश के लोगों का। जमाई साहब बस कीजिए ना, बिल्कुल आप इसी लायक है कि आपका मजाक उड़ाया गया, बस कीजिए ना, बस कीजिए ना, बस कीजिए, चलिए आप बस कीजिए, मैं संगीत रागी के पास जा रहा हूँ, बस कीजिए, चलिए आवाज कम, अब संगीत रागी के पास जा रहा हूँ, प्लीज चलिए आवाज कम, बस 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 बस। गौरव भाटिया और शोएब जमाई प्लीज, ये नो नॉनसेंस प्रोग्राम है और प्लीज कोई नॉनसेंस बात ना की जाए तो ही बेहतर होगा, प्लीज मेरा निवेदन है दोनों से, प्लीज प्लीज गौरव जी, प्लीज शोएब जमाई आप भी प्लीज, संगीत रागी, शोएब जमाई अभी प्लीज कह के बात कर रहा हूं मैं, समझ जाइए इस बात को ध्यान से, अभी प्लीज कह के बात कर रहा हूं, बस बहुत हो गया, बस मुसलमानों का मजाक बहुत हो गया, हर बात को कॉम पे मत ले जाइए, मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ रहा, आपका मजाक उड़ा था, पर्सनल बात को पूरी कॉम पे ले जाके हमेशा विक्टिम कार्ड मत किया कीजिए, बस कीजिए अब इस बात को। गौरव भाटी आप भी प्लीज, संगीत रागी, आज की परिस्थिति में क्या ये देश अफोर्ड कर सकता है कि इस तरीके की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो सड़कों पे, चौक चौराहों पे, जहां लोग लगातार मर रहे हैं, जहां हर रोज इस बात की लड़ाई हो रही है कि दुनिया भर को अब तक वैक्सीन नहीं मिल पाया, कोरोना का इलाज नहीं हो पाया, यहां इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि 70 दिन के लॉकडाउन के बाद हमने क्या क्या हासिल किया, फिर से धरने प्रदर्शन, फिर से वो सारी नौटंकियां चालू करने की स्थिति में है क्या देश? रोहित जी पहली बात तो कि ये संविधान जो है वो 1949 में लागू नहीं हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। दूसरी बात, शोएब जमाई जी ने ठीक बात ये कहा कि शाहीनबाग एक सोच है और वो सोच इस देश में भारत के आजाद होने के पश्चात से ही शुरू हुआ था, उससे पहले भी था और वो सोच जारी है। वो सोच जो है वो पॉलिटिकल इस्लाम का सोच है जो दुनिया में हर जगह या तो थियोक्रेटिक स्टेट के लिए लड़ता है या सत्ता के खिलाफ संघर्ष रहता है। आज के दिन में दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर यह पॉलिटिकल इस्लाम संघर्ष नहीं कर रहा है, वो सत्ताओं के साथ संघर्ष करता है और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को वो सहारा बनाता है।
जबकि उसका संविधान और लोकतंत्र में कहीं से विश्वास नहीं है। एक इस्लामिक राज्य कभी भी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता और न ही इस्लाम की धारणा लोकतंत्र में है। दूसरी बात, ये जो शाहीनबाग सोच है, आप देखेंगे कि ये वामपंथी और जिहादियों दोनों का गठबंधन था। जो लोग ये कहते हैं कि शाहीनबाग जो है वो एकाएक आंदोलन प्रकट हुआ है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। ये चाइना, पाकिस्तान और वामपंथी जिहादियों का एक संगठित सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था, जो बाद में इस देश में कई जगहों पर दंगे करवाते। दिल्ली में तो हुआ ही, लेकिन इस देश के हर जगह, हर कोने में इस प्रकार को देश तोड़ने की दिशा में काम करने का सुनियोजित प्रयास का हिस्सा था। दुर्भाग्य है कि इस देश को दो हिस्सों में बांटने के बावजूद इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय का एक हिस्सा पाकिस्तान परस्त बहावी आंदोलन से अभी भी अपने आप को प्रेरणा लेता है। याद कीजिए, वो वही दिल्ली 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 अल्पसंख्यक आयोग का व्यक्ति कहता है कि शाह वली उल्ला हमारा आदर्श है। ये वही शाह वली उल्ला था जिसने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिख करके कहा था कि जाट और मराठा ब्रिटिश समाज के आने के बाद इस देश में खड़े हो जाएंगे, इसलिए तुम इसे आतंक आप हिंदुओं को हटाने के लिए इस देश पर आक्रमण करो। आपको भी झूठ बोलने का मौका मिलेगा। उन्होंने तो दवाई बांट दी अपनी तरफ से कोरोना की, अभी आपके सामने, पता नहीं आपके घर भेजी कि नहीं। पूरा फटाफट रोहित जी, मैं एक भी बात बिना तथ्य का नहीं बोल रहा हूँ। यदि शाह वली उल्लाह को कोट कर रहा हूँ तो अहमद शाह अब्दाली को लिखे गए पत्र को भी मैं पूरा पढ़ करके रख दूंगा, लेकिन ये इस देश के मुसलमानों की मानसिकता का सोच है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं खुल करके बोलूंगा कि पॉलिटिकल इस्लाम के चीजों को समझिए और उसका सड़कों पर आकर के प्रतिकार कीजिए। देश में रहना चाहिए, ठीक है। अब जरा एक सेकंड शोएब जमाई, थोड़ा शांत रहिए। तस्लीम रहमानी, शोएब जमाई दो पढ़े लिखे बात करें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। तस्लीम रहमानी जवाब दे, वो एक बार जवाब दे, इसके बाद आप आइएगा। मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है सर। बस 23% मुसलमान 35% हिस्सा ले चुका है, ठीक है सर। भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति, आप तो कम से कम बंटवारे वाली बात मत कीजिए ना। जो आप बंटवारे का आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं, खुद वैसे ही बंटवारे की बात कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की बात करना, मुसलमान के नाम पर प्रमुख कहते हैं ये देश सबका है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया। ये बात उनके मुंह से निकलकर आपके मुंह तक आते आते बदल क्यों जाता है उसका भाव? ये बड़ा अजीब सी परिस्थिति हो जाती है। एक सेकंड, जरा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं तस्लीम रहमानी जवाब दे दीजिए। और इस बात का भी जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो जफरुल इस्लाम, वो तो अरब मुल्कों से मदद लेके हिंदुस्तान में जलजला लाने की बात कर रहे थे, और आज भी कई सारे कथित बुद्धिजीवी हैं सर। और कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लानत देता हूं ऐसे लोगों पे जो अपने देश में बैठ के ये लिख रहे हैं कि अमेरिका को देखो कितने बढ़िया तरीके से लोग सड़कों पे निकले आग लगा रहे हैं, तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि बाहर निकल पाओ। ये कौन से बुद्धिजीवी हैं सर, और इसको कैसे जस्टिफाई कर देगा कोई? देखिए अभी जो संगीत रागी जी जो बोल रहे थे, टोटली वो आइडियोलॉजिकल स्पिरिट के साथ बोल रहे थे, ये बिल्कुल तय है। वो थियोक्रेटिक बोला हूं सर, थियोक्रेटिक स्टेट का इल्जाम लगा रहा है, और वो खुद बताए कि क्या वो खुद एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने नहीं जा रहे, हिंदू राष्ट्र के स्टेट नहीं है। और उसके लिए आप जो कुछ कर रहे हैं इस देश में, वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता कि आपने आज तक नहीं रहा है। हिंदू पक्षपाती को लेकर के भारत में स्टेट नहीं होता है। और आपके बोल लीजिए, आप टू नेशन थ्योरी को जो आपका आपके दिमाग से उपस्थित वही टू नेशन थ्योरी को आप आज तक प्रमोट किए चले जा रहे हैं रोज आ रहा। आप उससे आज तक अलग रहे, आज का बयान भी उस टू नेशन थ्योरी की तरफ जाता है। दूसरी बात, आपने शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को कोट किया है, अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी जंग आजादी की जो पहली बुनियादी मुझे बुनियादी शाह वली उल्लाह ने नहीं, अहमद शाह वली उल्लाह को पत्र लिखा है अंग्रेजों के खिलाफ,
अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का फतवा मैं भी दिखाऊंगा आपको, भरत प्रताप ने आंदोलन भी दिखाऊंगा अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए। मेरा एक सवाल है, इस चीज को क्या हम वर्तमान परिस्थिति में, एक सेकंड, मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों, नहीं आप दोनों को मैं पूरा मौका, एक अलग दिन दोनों को बुलाकर इतिहास चर्चा का पूरा मौका दे दूंगा। आप दोनों सारी चिट्ठियां, अहमद शाह अब्दाली ने क्या लिखा, अकबर ने क्या लिखा, जहांगीर ने क्या लिखा, बाबर ने क्या लिखा और क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, आप दोनों अपनी तरफ से विस्तृत लेके आइएगा सर, बैठा के चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक सेकंड सर, मौजूदा परिस्थिति में प्लीज आवाज कम। अच्छा ठीक है, दोनों की आवाज कम कर रहे हैं, एक सेकंड। एलन राव साहब से मैं एक भी सवाल नहीं ले पाया, एलन राव साहब पूर्व पुलिस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, एलन राव साहब क्या दिल्ली पुलिस से एक बार जो चूक हुई उस समय शाहीन बाग का धरना 3 महीने चलता रहा, दोबारा तो वैसी परिस्थिति नहीं आएगी? अब पुलिस तैयार है और अब तो काफी चीजें उनके सामने आई, दिल्ली दंगों की चार्जशीट में उन्होंने देख के रखा है सामने सब कुछ कि क्या कुछ हो रहा था। बिल्कुल रोहित जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ कनेक्शन समझ में आ गया है, कौन सा कनेक्शन कहां, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट से लेके शाहीनबाग और फिर जाफराबाद और उसके बाद सारी ये सारी कहानी और अब उसके बाद ये मरकज वाली जो निजामुद्दीन की कहानी सारी इंटरलिंक्ड है, पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब मैं एक और बता देता हूँ, एक कहावत है दूध का जरा फूक फूक फर पीता है, तो ये जो शाहीनबाग में जो कलेक्शन हुआ था लोगों का, जमावड़ा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक होने की वजह से सारा बैठ गए थे और 3 महीने तक ये बैठे रहे थे। अब मुझे पक्का यकीन है कि दिल्ली पुलिस बहुत ही ज्यादा सजग है, इंटेलिजेंस नेटवर्क उन्होंने अपना बढ़ा लिया है, वहां पे किसी आदमी को बैठने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं की जाएगी, करने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ इनके मंसूबे भी अगर हैं वहां दोबारा बैठने के लिए, वो कामयाब नहीं होंगे। अगर इनको डेमोक्रेटिक तरीके से कोई वो करना है, धरना प्रदर्शन करना है किसी भी चीज के खिलाफ में संवैधानिक तरीके से, तो रामलीला ग्राउंड है वहां पे जाके बैठेंगे, लेकिन यहाँ शाहीनबाग जैसी सिचुएशन किसी दिल्ली के किसी कोने में अब नहीं हो सकती, ये मैं आपको एक प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। गौरव भाटिया, क्योंकि 30 सेकंड गौरव जी, देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा शर्म उनको आनी चाहिए जिनकी सोच इतनी खतरनाक थी कि वो चुनाव लड़े और उनको 149 वोट मिले, जनता ने करारा थप्पड़ मारा और इसलिए मारा। बहुत पीछे की बात हो गई ना, तो मैं बता रहा हूँ क्यों, अब मैं अपनी बात अपने तरीके से ही रखूंगा ना रोहित जी, मैं तथ्यों पे गलत हुआ टोक सकते हैं, बोलिए। लोकतंत्र में 149 वोट मिले, क्यों मिले मैं बताता हूँ। जब बुरके में महिला पत्थर मार रही थी पुलिस पे, अब इनको चुप करा लीजिए रोहित जी प्लीज, ये गलत बात है। तस्लीम साहब सुन लीजिए ना, समय खत्म हो गया, वैसे भी तस्लीम साहब समय खत्म हो गया है। 149 वोट मिले और क्यों मिले मैं बताता हूँ, क्योंकि प्लीज चुप कराइए रोहित, आपस में झगड़े का समय नहीं है सर, अपनी बारी का इंतजार, आपस में झगड़े का समय नहीं है। खून बहा लिया, नहीं नहीं समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया सर, झगड़े में ही समय खत्म कर देते हैं आप लोग। देखिए मसला यह है कि लोग जब आते हैं तो आप लोगों को सुनने आते हैं और ये जानना समझना चाहते हैं कि आप लोगों की सोच क्या है, ताकि देखने वाले को ये पता तो चले कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नो नॉनसेंस डिबेट होनी चाहिए, अपनी अपनी बात कहिए, अपना अपना पक्ष रखिए, ताकि लोगों को समझ में आए। शोएब जमे की बातों से समझ में आया कि वो अब इसको एक राजनीतिक पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं चीजों को, क्या नेतागिरी बनाने के लिए, क्या नेतागिरी चमकाने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए शाहीनबाग के आंदोलन को हथियार बनाया गया था, महिलाओं को आड़ बनाया गया था, यह भी आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। लेकिन क्या वाकई फिर से शाहीनबाग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर एलन राव ने कुछ चीजें बिल्कुल दो टूक कहीं।